समीन पेश स्पॉन्सर प्रोग्राम सेहत बदन ये प्रोग्राम तोहतम वातनवान अया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालू इस इदारे ये इलाज बापत दरकार खालिस दवा डॉक्टर फेरोज सबनी निगरानी मजीद तैयार सप्तान बाजियाब सप्तन बापत अनु तुह तशरीफ अया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालू फोन 7051545788। इस्लाम की बहुत सारी चीजें खुलती जा रही हैं इंसान के साथ या हर एक रोजेदार के साथ। अपनी टर्मिनोलॉजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सेहत बदन प्रोग्राम का ये सिलसिला लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी। प्रोग्रामों का ये सिलसिला पेश करने की सआदत हासिल हुई है हया अस्पताल श्रीनगर को, और इस वक्त इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मोहतरम मकाम मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब और हया अस्पताल के MD डॉक्टर फिरोज अहमद साहब। हम चूंकि रमजान मुबारक का पाक महीना है, हम इस महीने के ताल्लुक से कुछ ऐसे सवालात मुफ्ती साहब से इस सीरीज में पूछेंगे जिनका ताल्लुक हर एक इंसान के साथ या हर एक रोजेदार के साथ है। कुछ ऐसी बातें जो आम लोगों को पता नहीं है कि रोजे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, दवाओं के बारे में क्या हुक्म है। तो ये जो पहला ये प्रोग्राम है, इसमें मैं मुखातिब हूँगा डॉक्टर फिरोज अहमद साहब से। फिरोज साहब चूंकि एक मुअल्लिज हैं, मारूफ मुअल्लिज हैं, तो फिरोज साहब ये बताइए कि रमजान मुबारक का रोजा एक आम इंसान की सेहत के लिए कैसा रहता है और क्या असरात पड़ते हैं, बहसे एक डॉक्टर बोलिए एक इंसान की सेहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अरशद साहब, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है, बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सुनने वाले और हमारे सारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये सेहत के बारे में रमज़ान और सेहत, इसमें सेहत पर क्या असर पड़ते हैं। चूँकि बहसत मालिज बहसत एक डॉक्टर मैं आप बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड में इस वक्त जो रिसर्च हो रही हैं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह साइंस तरक्की करता जा रहा है, तो इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें खुलती जा रही हैं जो लोगों के सामने नहीं थी, अब वो लोगों के सामने आ रही हैं। जिस तरह से हमारे 1450 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े के बारे में फरमाया कि रोज़ा रखना है, तो आजकल के जो रिसर्चर्स है, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स है, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो रोज़ा है जिसको वो लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, तो उस इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जो उन्होंने जो रिसर्च किया है, तो उन्होंने ये पाया कि रोज़ा, अगर जो हम अपनी लैंग्वेज में बताएं, हम अपनी टर्मिनोलॉजी में बताएं कि रोज़ा रहने से इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें मतलब वजूद में आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान जो रोज़ा 12-14-15 घंटे रोज़े से रहता है, जैसे इन्होंने दुनिया में रिसर्च इस पर किए हैं, इन्होंने इंसानों पर इसकी रिसर्च की है, इन्होंने हैवानों पर रिसर्च किया, और इन्होंने हत्ता के रैट्स पर यानी चूहों पर भी इसका रिसर्च हुआ है, जिसमें उन्होंने देखा है कि जो शख्स इंटरमिटेंट फास्टिंग रखता है, उसको पहली बात यह है कि उसकी जो फैट है, एक्सेस फैट जो हमारे बॉडी में होता है, वो लॉस होना स्टार्ट होता है। ये ऑब्वियसली ये बात है कि जो ही हम फास्टिंग में रहते हैं, ऐसे फास्टिंग रहें या रोजे से फास्टिंग रहें, तो अंदर में हमारी बॉडी को फ्यूल की जरूरत होती है, जो हमारी खुराक के जरिए हमारी बॉडी तक पहुंचे। जब एक इंसान को 12 घंटे 14 आवर्स या 2 आवर्स 3 आवर्स तक इसके अंदर कोई गजा नहीं पहुंचता, तो अंदर की जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है, हमारे लिवर में, हमारे बाकी जगहों में जो फैट्स होते हैं, वो बर्न होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन मतलब वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, कार्डियोवैस्कुलर पर जो हमारे हार्ट है, हमारे शरीर पे जो असर है, बिल्कुल, जो हमारे दिल है, तो उस दिल पर भी इसके असर, जब फैट नहीं आ जाता है और जिसकी वजह से खून पतला स्टार्ट हो जाता है, तो खून पर भी उसके असरात होते हैं, और ऑब्वियसली उससे हमारे हार्ट पर भी उसके असरात पड़ते हैं, इसी तरह हमारे गुर्दों पर असरात पड़ते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम देखें पूरी बॉडी पर जो ये रोजे हैं, रोजों से एक बेहतरीन असर पड़ता है।
ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इसके बावजूद इससे हमारे इम्यून सिस्टम जो है, हमारा जो तहफ़ मतलब निज़ाम तहफ़ जो है, जो अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है, वो इम्यून सिस्टम बूस्ट होने स्टार्ट होता है। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक देखा गया और पूरे रिसर्च हुआ है कि इससे बहुत अच्छे असरात हमारे जिस्म पर पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरोज अहमद साहब, आपने अच्छी बातें बताई सेहत के हवाले से। देखा आपने ये हुआ, वैसे डॉक्टर फिरोज साहब ने कहा कि रोजा रखना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इस वक्त इतना ही, अगले एपिसोड में अगले शुमारे में बात होगी मोहतरम मकाम मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब से। यो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन, सेहत बदन, सेहत बदन। ये प्रोग्राम जो तहताम वातनावान हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालो श्रीनगर, ये डिस्क पाइलस द प्रोस्टेट वगैरह खतर ऑपरेशन वगैरह इलाज सप्तान छु। फोन 7051545788।